तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत कम ही लोग आपको बता पाएंगे। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये ड्राइंग के वो बेसिक्स हैं, जिसे एक्सपर्ट हो या बिगनर्स दोनों करते हैं। आपको ड्राइंग आती है? अगर नहीं भी आती है तो घबराइए नहीं, आप मेरी वीडियोस को देखकर ड्राइंग जरूर सीख जाइएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पोर्ट्रेट आर्ट विलेन में। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। आप सोच रहे होंगे कि ये तो लाइनिंग है। जी हाँ, लाइनिंग आपके ड्राइंग में काफी फिनिशिंग ला सकती है। आप किसी भी आर्टिस्ट को देखोगे उनके ड्राइंग में काफी फिनिशिंग होती है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट का वो परफेक्ट ड्राइंग ड्रा करते हैं, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। आप जब भी ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करने से पहले आप लाइनिंग प्रैक्टिस करें 5 से 10 मिनट कम से कम, आपको इसका रिजल्ट खुद दिखेगा। कुछ दिन बाद बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग देखोगे तो। मैं जो भी प्रैक्टिस में बता रही हूँ ये सारे आपको भी इसी तरह करना है। ये सिर्फ ड्राइंग में ही नहीं, आपको कैलीग्राफी में भी फिनिशिंग लाएगी। आप जब निफ्ट या एनआईडी का एग्जाम दोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। उस टाइम आपको इस प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। आपको इसी तरह स्क्वायर बनाने हैं, फिर इसमें वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन ड्रॉ करने हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस टू शेडिंग बताऊंगी।